असल दोस्तों कैसे हैं आप सब मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पर वेलकम कहती हूँ आज के इस वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं दैट इज़ मीडिया एज इंडस्ट्री बहुत ही ईजीएसट वे में मैं आपको ये टॉपिक समझाऊंगी इस वीडियो को एक ही बार स्टार्ट से एंड तक पूरा देखने से आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा ठीक है कोई भी इसमें कन्फ्यूजन बाकी नहीं रहेगी इन एंड अगर आपको मीडिया स्टडीज़ के और भी टॉपिक्स पे लेक्चर चाहिए तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मैंने बहुत से टॉपिक्स मीडिया स्टडीज़ के कवर किए हुए हैं जिनको मैंने एक प्ले में ऐड किया और प्ले का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके उन लेक्चर्स को अप्रोच कर सकते हैं और अगर, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं देन प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल थैंक यू सो मच तो एनी हाउ विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल मिनट जो हमारे आज का लेक्चर हम करते हैं शुरू विच इज मीडिया एज इंडस्ट्री सो मीडिया क्या होता है पहले हम इसके बारे में बात करते हैं मीडिया बेसिकली कहते हैं मेन मींस ऑफ कम्युनिकेशन को ऐसा जरिया जिसके थ्रू मतलब ऐसा सोर्स जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज करते हैं शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ और नॉलेज गेन करते हैं वो हो क्या होता है मीडिया होता है तो बेसिकली मीडिया इज़ द मेन सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन अब मीडिया की फर्दर टू टाइप्स हैं एक है डिजिटल मीडिया वो मीडिया जो के इंटरनेट आने के बाद हमारे पास आया और एक है कन्वेंशनल मीडिया वो मीडिया जो कि इंटरनेट के आने से पहले ही हमारे पास मौजूद था तो कन्वेंशनल मीडिया के अंदर हमारे पास आ जाता है न्यूज़पेपर, टेलीविजन रेडियो सो ऑन ठीक है मतलब हम कह सकते हैं कि कन्वेंशनल मीडिया के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी आता है और साथ ही साथ हमारे पास प्रिंट मीडिया भी आता है क्लियर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की फॉर्म के अंदर हमारे पास न्यूज़ टेलीविजन और रेडियो ये सब कुछ आ जाती हैं और प्रिंट मीडिया में हमारे पास न्यूज़पेपर्स आ जाते हैं और जर्नल्स वगैरह आ जाते हैं क्लियर तो हम कह सकते हैं जो मीडिया है उसकी मेन टू टाइप्स हैं वन इज़ डिजिटल मीडिया एंड द अदर इज़ कन्वेंशनल मीडिया और ये जो टाइप्स हैं इनकी फर्दर सब टाइप्स हैं जैसे कि कन्वेंशनल मीडिया की मैंने आपको बताया टाइप्स में आ जाता है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया के अंदर हमारे पास वो सारी चीजें जो कि इंटरनेट आने के बाद आई जैसे कि सोशल मीडिया हो जाता है हमारा क्लियर तो अब जो मीडिया एज ए इंडस्ट्री की बात करें ना हम लोग तो स्क्रीन पे देखें पहले द मीडिया इंडस्ट्री इनकम पासिस ऑल बिजनेस दैट अलाउ इंफॉर्मेशन टू बी शेयर कि एक ऐसी इंडस्ट्री है मीडिया जिसके अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो शेयर की जाती है और ये इनकम पास करती है ऑल बिजनेसिस को ठीक है जितने भी बिजनेस आ रहे हैं उन सबको इनकम पास कर रही है तो द मीडिया इंडस्ट्री इनकम पासिस ऑल बिजनेस दैट अलाउ इंफॉर्मेशन टू बी शेयर और ये इंफॉर्मेशन कैसे शेयर की जाती है वीडियो गेम्स के थ्रू फिल्म्स के थ्रू म्यूज़िक के थ्रू टेलीविजन के थ्रू रेडियो न्यूज़पेपर सोशल मीडिया सो ऑन ये सब के सब सोर्स बनते हैं इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए कम्युनिकेशन के लिए आइडियाज़ को एक्सचेंज करने के लिए ठीक है द वे दैट दिस इंफॉर्मेशन इज़ शेयरड वेरिज मैसिवली विद सम एग्जाम्पल ऑफ मीडिया इंक्लूडिंग रेडियो टेलीविज़न न्यूज़पेपर्स सोशल मीडिया वीडियो गेम्स फिल्म एंड म्यूज़िक मीडिया बेसिकली एक इंडस्ट्री की तरह काम कर रहा है मीडिया के अंदर वेरियस अपॉर्चुनिटीज़ है मीडिया के थ्रू हम लोग आइडियाज़ को कम्युनिकेट कर रहे हैं आइडियाज़ को शेयर कर रहे हैं इवन के मीडिया जो है वो अपॉर्चुनिटी बन गया जॉब्स के लिए भी अब मीडिया के थ्रू मल्टीपल जॉब्स मिल रही हैं लोग मीडिया के थ्रू अर्निंग करें इवन के यूट्यूब को देख लें ये भी एक मीडिया है और ये एग्जाम्पल है डिजिटल मीडिया की और यूट्यूब यूट्यूब के थ्रू मैं अर्निंग कर रही हूँ यूट्यूब के थ्रू कई यूट्यूबर्स युटु, अर्निंग कर रहे हैं ब्लॉग्स हैं ऑनलाइन गेम्स हैं ये सब कुछ मीडिया ही तो है और इन्हीं के थ्रू क्या हो रहा है ये एक इंडस्ट्री बन चुकी हुई है और इनके थ्रू आइडियाज़ कन्वे हो रहे हैं इन्फॉर्मेशन कन्वे हो रहे हैं नॉलेज कन्वे हो रहा है ठीक है और गेन भी हो रहा है और इसके अलावा क्या है बिजनेस भी बन चुका हुआ है लोगों का सोर्स ऑफ अर्निंग भी बन चुका हुआ है तो मैंने पहले आपको बताया था कन्वेंशनल मीडिया के बारे में कि उसमें हमारे पास वो चीज़ें जो कि इंटरनेट आने से पहले होती थी वो आ जाती हैं जैसे कि टेलीविज़न और रेडियो और न्यूज़पेपर एट्सट्रा अब देखें डिजिटल मीडिया के अंदर क्या है डिजिटल मीडिया के अंदर हम देखते हैं कि ये ऐसा मीडिया है जो कि इंटरनेट आने के बाद आया और इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज़ की जाती है इसमें हमारा सोशल मीडिया हमारे पॉडकास्ट ऑनलाइन गेम्स ब्लॉग्स यूट्यूब ये सब आ जाते हैं और डिजिटल मीडिया को हम लोग न्यू मीडिया भी कहते हैं अब स्क्रीन पे देखें डिजिटल मीडिया इज़ एनी फॉर्म ऑफ मीडिया इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर द इंटरनेट दैट यूज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फॉर डिस्ट्रीब्यूशन इट इज़ क्वाइट ब्रॉड टर्म एंड इनकम पासिस मीडिया टाइप्स चैज सोशल मीडिया पॉडकास्ट ऑनलाइन गेम्स ब्लॉग्स एंड यूट्यूब डिजिटल मीडिया इज़ ऑल्सो ऑफन रेफर टू एज न्यू मीडिया क्लियर तो दोनों टाइप्स भी क्लियर हो गई आपको एज ए इंडस्ट्री भी आपके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होगा होगा अब आगे देखें जो मीडिया एज इंडस्ट्री है वो इतनी ब्रॉड हो चुकी है मीडिया इंडस्ट्री कि अगर हम जो वर्ल्ड की इंडस्ट्री की बात करें यहाँ पे हम लोग जॉब्स की बात करें अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें कि वो कम है लेकिन मीडिया जो है वो बहुत बड़ा हो चुका हुआ है पूरी इंडस्ट्री बन चुका हुआ है जहां पे एक वैस इंडस्ट्री है और वैस्ट अपर्चुनिटीज अवेलेबल है जिसके अंदर हम देखते अगर हम जॉब्स के लिहाज से बात करें अगर क्योंकि यूट्यूब भी आ चुका ब्लॉग्स भी आ चुके हर किस्म की चीज़ें नेट पर अवेलेबल हैं ठीक है थीके? हर किस्म की चीजें हम लोगों को इंटरनेट पर मिल रही हैं अब हर चीज़ किस्म का इवन के काम तक जो है वो ऑनलाइन हो चुका हुआ है सॉफ्टवेयर डेवलपर्स आ गए और उसके बाद ब्लॉग राइटर्स आ गए यूट्यूबर्स आ गए व्लॉगर्स आ गए ब्लॉगर्स आ गए सो ऑन ठीक है सब काम करें इसीलिए इससे क्या हुआ हमारी जो अपॉर्चुनिटी थी जॉब की वो भी बढ़ गई वीडियो एडिटर की ज़रूरत पड़ गई सोशल मीडिया मैनेजर आ गए यू डिज़ाइनर आ गए डिजिटल मार्केट स्पेशलिस्ट आ गए ग्राफिक डिज़ाइनर आ गए प्रोडक्शन डिजाइनर आ गए वीडियो गेम डिजाइनर आ गए तो ये सब क्या हुआ ये सारा का सारा सोर्स बन गया अर्निंग का यानी डिजिटल मीडिया के आने से जो अपॉर्चुनिटीज़ थी वो और बढ़ गई और मीडिया जो है वो प्रॉपर एक इंडस्ट्री बन गई इंडस्ट्री कहती है जो बहुत बड़े लेवल पर फैल जाए ठीक है ना सिर्फ सरफेस बल्कि डीपर लेवल पे ना सिर्फ अपेरेंट बल्कि बहुत गहरे तक डीप डेफ तक फैल जाए तो मीडिया क्या हो गया ब्रॉडर लेवल तक फैल गया एक पूरी इंडस्ट्री बन गया जहाँ पर पहले लोग सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे अपनी कम्युनिकेशन करते थे आइडिया शेयर कर रहे थे वहाँ से लोगों ने न्यूज़ लेना भी शुरू कर दी वहाँ से लोगों ने इंटरटेनमेंट लेना भी शुरू कर दी न्यूज़ इंटरटेनमेंट के साथ अब वहाँ पर लोग काम करना भी शुरू हो गए

जहाँ पे इंटरटेनमेंट का सोर्स भी अवेलेबल है न्यूज़ का सोर्स भी अवेलेबल है इंफॉर्मेशन का सोर्स भी अवेलेबल है हम लोग इस कंट्री में रहते हुए पूरी दुनिया में क्या हो रहा है सब कुछ जानते हैं पूरी दुनिया के बारे में इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ मीडिया एंड इसके साथ साथ इन एडिशन हम लोगों को मल्टीपल जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं किससे मीडिया से ही तो मीडिया इज़ अब कंसीडर एज इंडस्ट्री नाउ तो मीडिया एज इंडस्ट्री के अंदर आपने ये सारे पॉइंट्स डिस्कस करने हैं कि मीडिया क्या है उसकी टाइप्स क्या है फिर उन टाइप्स के बेनिफिट्स क्या हैं फिर डिजिटल मीडिया से क्या हम लोगों को प्रॉफिट मिला क्या हम लोगों ने गेन किया एंड क्या अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास आई सो ऑन ठीक है थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी स्टे ट्यून विद दस एंड डो नोट फॉर गेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल अगर आपको ऐसे के लेक्चर्स और चाहिए तो मुझे बताइएगा कॉमेंट में अपना जो टॉपिक है वो शेयर करिएगा मैं कोशिश करूँगी कि उसके ऊपर लेक्चर बना दूँ थैंक यू स्टे ट्यून विद ट्यून विद दस अल्लाह हाफ